आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। यूं तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारियां हैं, जिनका वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सिख उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि रंग अंधता, जिसमें व्यक्ति को दिखाई तो देता परंतु रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। Where you are? Bangladesh. Why do you come here? Jain, India. Color blindness. There is no treatment all over the world. Search many websites. Yeah. Where you got my address? YouTube. You see my video? Yes. You faith on that? I trust it because God. People getting killed. Yes. 2, 8, 56. Yeah. On plates. Yes. Then. It's a problem that can't be cured if you got it. विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। See these plates now. 2696. Straight. 9642. Keep it up. Wow. Very good. Yes, 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 yes. You are the winner. This is the most first pack of Shara book. See each and every word of green color. Just two dots change your way. Very nice. Very nice. Wow. You are the next winner of color blindness by Dr. Rishabh Jain. Do you think? Yes, sir. I have now confidence that I can read 95% plates. Thank you very much, sir. Now you are more than 33 plates. You are winner. Yes. Yes. You are from Bangladesh. You are my first patient. Got cured. Sir, from abroad. Congratulations to you. Will you like to save people of the world? That color blindness is not an untreatable disease. It can be treated, yeah, and enjoy the nature and the facilities of different kind of services. Those who are missing. Yeah. Congratulations. Thank you. And what do you think about now for your future? Now I am very much confident that I will pass the future exam. And thank you very much. And God progress in your life. We wish to God that your next generation will not get this disease. You say to all the people of the world, what do you want to say? Color blindness can be treated by Dr. Rishabh Jain, India. So please come here and do treatment. Okay, thank you very much. जैसे pigmentosa, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। भारतीय रोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा साहब की रात में नागपाल साहब तक आ गया था। बीमारी का कोई इलाज नहीं, एक ऑपरेशन किया था आपको। क्या कहते हैं उसको? ओमेटोपेप्सी ने बाय यहाँ से निकाल करके सिर के बाल काट कर यहाँ पे फिट की हुई। क्या कहा था आपसे? जितनी उतनी रहेगी रोशनी। उसका भी ऑपरेशन करवा है, जो ऑपरेशन में बर्बाद हो गया। लेकिन आपकी रोशनी अब कम होती चली जा रही है, साइड में भी नजर नहीं आता। आपको डॉक्टर ऋषभ जैन का पता कैसे मालूम? नहीं दिख रही, कारण आपका फील्ड ऑफ विजन पूरा खत्म हो गया था। रास्ते चलते परेशानी होती थी, जाते आप किसी चीज से टकरा जाते थे क्या? निरंतर बच्चे की रोशनी हो रही है, भी काम कर सकता है बिना आपके सहारे के। ऊपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, उस समय आपके बेटे को क्या दिखता था? दो लाइन पढ़ता था, आज नहीं पढ़ता। 3 महीने जीवनी हॉस्पिटल का इलाज जो करा, रोशनी जो थी वो भी खत्म हो गई। हम प्रयास करेंगे कि बच्चे को दिखना शुरू हो जाए। हम भी यही चाहते हैं, अनेक रोगी देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जिन्हें आपको क्या फर्क है? कलर दिख रहे हैं आप? मम्मी पापा भाई बहन इनको हाँ पहचान पढ़ सकते हैं? क्या दिख रहा है? OLAF। चौथी लाइन पढ़ रहा है, मतलब होता है 80 फीट बाई आंख से और दाहिनी आंख से 6 मीटर हो गई। बहुत बहुत बधाई हो आपको। पुत्र के अंदर एक आशा की किरण जगी है कि आपने उसकी रोशनी दी है, उसको जीवन दान दिया है। आपका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। ऋषभ जैन ने कैसे मृत्यु रोगी की आंखों का इलाज कर दिया, जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के दर्द होते हैं, विभिन्न कारणों से रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो गई, अर्थात आते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। यह असाध्य बीमारियां हैं। ड्रुसेन, ड्रुसेन, इसमें नेत्र ज्योति पहचानने वाला मुख्य भाग
क्षतिग्रस्त हो जाता है, अर्थात दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। इसी बीमारी से ग्रसित गोपाल जी आँख 10 साल पहले खत्म हो चुकी है। दुबई नेत्र चिकित्सक को दिखाया, फर्क नहीं आने पर और उनके मना करने पर इंदौर चौथराम ने इलाज करवाया। इंदौर में फर्क नहीं आने पर विश्व प्रसिद्ध नेत्र रेटिना सर्जन डॉक्टर नागपाल साहब रेटिना अहमदाबाद पहुँचे, किंतु तमाम उम्मीदें खत्म, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, आप दूसरी आँख संभालिए। गोपाल जी की दूसरी आँख में भी धुंधला दिखाई देने लगा। गोपाल भाई ने दुबई में दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा वही बीमारी आपकी दूसरी आँख में हो रही है, आप कहीं भी प्रयास करिए, नेत्र चिकित्सालय चेकअप हेतु आए। उस दिन गोपाल जी को मात्र 2 लाइन साफ, तीसरी धुंधली, मात्र 7 दिनों में रोशनी इतनी बड़ी कि विश्वास नहीं हुआ। एक माह में इलाज में 6 लाइन धुंधली आने लगी, तब इसके प्रमाणीकरण राजस्व नेत्र चिकित्सालय चेजा, जहाँ डॉक्टर राजीव चौधरी एवं उनके अन्य नेत्र रोग विशेषज्ञों की टीम ने और रोशनी 5 लाइन बढ़ने का प्रमाण दिया। ये है पारस, नन्हा मुन्ना चुलबुला पारस, चांद सा सुंदर चेहरा, हिरण जैसी आंखें, फिर भी ये उदासी, क्यों है ये उदासी, आखिर क्यों? क्योंकि इसकी जिंदगी में है अंधेरा, घनघोर अंधेरा। पिता कहता मेरी आंखें लगा दो, माता कहती मेरी आंखें ले लो, पर मेरे लाल को दिखला दो। कहां कहां नहीं दिखलाया, डॉक्टर बाखले सागर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, एम्स चिकित्सा अनुसंधान दिल्ली, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उदेनिया ग्वालियर, डॉक्टर भसीन ग्वालियर, डॉक्टर जितिन जयपुर राजस्थान, एलवी प्रसाद हैदराबाद, किंतु नतीजा शून्य। इनका कोई इलाज नहीं, अब मेरा क्या? मेरी जिंदगी तो है अंधेरा, घनघोर अंधेरा। जी हाँ, पारस का इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए शबजैन ने बीड़ा उठाया। तुमने कौन सी जांच कर रहे हैं? हमारी जांच कर रहे हैं। कैसे किया था डॉक्टर साहब, क्या क्या किए थे? दूसरे को हमें लगा रहे हैं, जो अच्छा गाना है कुर्सी का है, तो दो गेट गए तुम्हारी कुर्सी पे, उनसे तो उठा हमारी कुर्सी पे से। और इस जन्मांत शिशु का इलाज कर, इसकी नेत्र ज्योति को बढ़ाकर जीवन जीने की राह दिखलाई। आज पारस ने नेत्र ज्योति नहीं पाई, उसका पूरा परिवार आज अपने बच्चे की आंखों से दुनिया देख रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि पारस जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। ये दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है, उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।